बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन एनिमल्स एंड एनवायरनमेंट। इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि हाउ डू एनिमल्स रेगुलेट एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन देम एंड देयर एनवायरनमेंट। एनिमल्स और एनवायरनमेंट के दरमियान हीट का एक्सचेंज होता है। हीट एनिमल की बॉडी के अंदर एंटर भी होती है और बाहर भी निकलती है, लेकिन एनिमल्स को उस हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करना होता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसके लिए एनिमल्स में किस किस्म की अडेप्टेशंस हैं, उनका जिक्र हम करेंगे। तो एनिमल्स यूज थ्री टाइप्स ऑफ अडेप्टेशंस या मैकेनिज्म फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन देम एंड देयर एनवायरनमेंट। एनिमल्स और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान हीट के एक्सचेंज को रेगुलेट करने के लिए तीन किस्म की अडेप्टेशंस हैं: स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस और बिहेवियरल अडेप्टेशन। एनिमल अपने स्ट्रक्चर में चेंज लाकर गैस हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। एनिमल्स अपनी फिजियोलॉजी में चेंज लाकर हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। इसके अलावा अपने बिहेवियर में चेंज लाकर हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। हम एक एक करके इन तीनों की बात करते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस। दीज आर लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, इन द एनाटॉमी ऑफ द बॉडी। ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन जो है, ये परमानेंट चेंजेस होती हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं जो एनिमल के स्ट्रक्चर में होती हैं, एनिमल की एनाटॉमी में होती हैं। हमारी बुक में चार का जिक्र किया। सबसे पहले सबडर्मल फैटी लेयर बिलो द स्किन। स्किन की जो दो लेयर्स हैं, ऊपर वाली एपिडर्मस, नीचे वाली एंडोडर्मस, सॉरी डर्मस, उस डर्मस के नीचे ये जो येलो कलर की लेयर है, ये फैट है, ये इंसुलेशन का काम करती है। प्रेजेंस ऑफ फैटी लेयर बिलो द स्किन, सब डर्मल फैटी लेयर फॉर इंसुलेशन, दिस इज फर्स्ट स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज। सब डर्मल फैटी लेयर बिलो द स्किन फॉर इंसुलेशन, इंसुलेशन का काम करती, हीट एक्सचेंज को प्रिवेंट करने की कोशिश करती, मिनिमाइज करती। तो पहली अडेप्टेशन कौन सी है? प्रेजेंस ऑफ सबडर्मल फैटी लेयर, स्किन के नीचे फैट की लेयर। दूसरी है मॉडिफिकेशन ऑफ लंग्स फॉर पेंटिंग। बहुत सारे मैमल्स को हमने देखा होगा कि वो अपनी जबान को बाहर निकाल कर छोटे छोटे तेज तेज सांस ले रहे होते हैं। इस दौरान वो अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम को एवापोरेटिव कूलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए लंग्स में मॉडिफिकेशन होती, वो जो लंग्स में मॉडिफिकेशन है एवापोरेटिव कूलिंग के लिए, वो स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है। व्हाट इज पेंटिंग? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, पेंटिंग इज एवापोरेटिव कूलिंग यूजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स को इस्तेमाल करते हुए, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एवापोरेटिव कूलिंग करनी।
अपनी बॉडी टेम्परेचर को कम करने की कोशिश करनी, अपने आप को कूल करने की कोशिश करनी. दिस इज पेंटिंग, यूज ऑफ लंग्स फॉर एवापोरेटिव कूलिंग. इसके लिए लंग्स में बाकायदा मोडिफिकेशन होती है. ये जो लंग्स में मोडिफिकेशन है, दिस इज स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, मोडिफिकेशन इन लंग्स फॉर पेंटिंग. तीसरी बात, पिलेज, PELAGE. पिलेज क्या बला है? ये मुख्तलिफ एनिमल्स की बॉडी सरफेस के ऊपर हेयर्स का प्रेजेंट होना, फर का प्रेजेंट होना, ये पिलेज है. ये भी हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने में हेल्प करती है और ये स्ट्रक्चरल चेंज है. फोर्थ अडेप्टेशन, स्किन में स्वेट ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना. ये स्वेट ग्लैंड्स स्वेट प्रोड्यूस करते हैं और स्वेट की वापोरेशन से कूलनेस हासिल होती है, बॉडी टेम्परेचर कम होता है. ये एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी है टेम्परेचर को लो करने के लिए. स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस जो है ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. तो चार किस्म की स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन हमने पढ़ी. सबसे पहले तो हमने ये बात की कि स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन आर लॉन्ग टर्म चेंजेस, परमानेंट चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी. दीज इंक्लूड नंबर वन, सबडर्मल फैटी लेयर फॉर इंसुलेशन. स्किन के नीचे फैट की लेयर जो इंसुलेशन का काम करती है. देन पिलेज, जैसे मैंने बताया कि मैमल की बॉडी सरफेस के ऊपर जो मुख्तलिफ किस्म के हेयर फर की प्रेजेंस होती है ये पिलेज कहलाती है. ये भी हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करने में मदद देती है और ये स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन. इसके अलावा स्वेट ग्लैंड का प्रेजेंट होना, स्किन में जो स्वेट ग्लैंड की प्रेजेंस है जो एवापोरेटिव कूलिंग में हेल्प करेगी, ये भी स्ट्रक्चरल चेंज है. और फिर पेंडिंग के लिए लंग्स में मोडिफिकेशन, लंग्स में मोडिफिकेशन फॉर पेंडिंग, ये स्ट्रक्चरल चेंज है. पेंडिंग जैसे मैंने बताया कि पेंडिंग क्या होती है, एवापोरेटिव कूलिंग यूजिंग रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये थी स्ट्रक्चरल चेंजेस, लॉन्ग टर्म चेंजेस, सबडर्मल फैटी लेयर बिलो द स्किन, मोडिफिकेशन ऑफ लंग्स फॉर पेंटिंग, पिलेज और प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड्स फॉर एवापोरेटिव कूलिंग. इसके बाद है फिजियोलॉजिकल चेंजेस. एनिमल्स अपनी फिजियोलॉजी में मोडिफिकेशन लाकर हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं. इसमें एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स फॉर प्लमेज फ्लफिंग. एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल्स फॉर प्लमेज फ्लफिंग, पहली बात. अक्सर आपने सर्द मौसम में इस तरह से बर्ड्स को पर फैलाए हुए देखा होगा, बल्कि फ्लफी से हुए होते हैं फेदर्स, फ्लफी फ्लफी से हो जाते हैं उनकी फेदर्स, सॉफ्ट सॉफ्ट ऊपर को उभरे हुए इस तरह से फ्लफी से. इस तरह से फेदर्स को फ्लफी सा कर लेना, दिस इज कॉल्ड प्लमेज फ्लफिंग. ये कोल्ड एनवायरमेंट के लिए अडेप्टेशन है. कोल्ड वेदर में ऐसा करते हैं बर्ड्स, वो अपने फेदर्स को थोड़ा सा फैला लेते हैं, फ्लफी सा कर लेते हैं. उन फ्लफी फेदर्स के बीच में स्टिल लेयर आ जाती है, हवा आ जाती है, हवा ट्रैप हो जाती है. वो जो एयर ट्रैप होती है वो इंसुलेशन का काम करती है, यूं हीट के लॉस को रोकती है. ये प्लमेज फ्लफिंग कहलाती है.
birds make their fur fluffy, make their feathers fluffy rather. As a result, air is trapped between the feathers that provide insulation that prevent heat loss from their bodies. इसके लिए कुछ मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है. प्लमेज फ्लफिंग के लिए मसल्स को एक्टिवेट करना पड़ता है. ये जो मसल की एक्टिवेशन है, दिस इज एक्चुअली फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन. एक्टिवेशन ऑफ सर्टन मसल फॉर प्लमेज फ्लफिंग, ये एक फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन है. इसी तरह से एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स फॉर एवापोरेटर कूलिंग. जैसे हमने पहले पढ़ा, प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड जो है ये स्ट्रक्चरल चेंज है, स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है. प्रेजेंस ऑफ स्वेट ग्लैंड स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन है. लेकिन स्वेट ग्लैंड का एक्टिवेट होना, बाकायदा उनकी फंक्शनिंग शुरू हो जाना, स्वेट प्रोड्यूस करना और फिर स्वेट का एवापोरेट होना, ये एक्चुअली स्वेट ग्लैंड की एक्टिवेशन है. अगर स्वेट जो ग्लैंड के जो पोर्स हैं, सरफेस के ऊपर पोर्स हैं, ये ग्लैंड नजर आ रहा है, नीचे उसकी डक्ट है और फिर ऊपर सरफेस के ऊपर पोर, इस पोर के जरिए स्वेट बाहर आता है और फिर एवापोरेशन होती है. अगर वो पोर क्लॉग हो, बंद हो, तो वो स्वेट बाहर नहीं आएगा. तो मसल स्वेट ग्लैंड्स की एक्टिवेशन होना जरूरी है. ये जो एक्टिवेशन है ये फिजियोलॉजिकल चेंज है, जबकि प्रेजेंस जो है वो स्ट्रक्चरल चेंज है. सिर्फ प्रेजेंट होना ही काफी नहीं है, उसका एक्टिवेट, उनका एक्टिवेट होना भी जरूरी है. तो ये दूसरी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है, एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स फॉर एवापोरेटिव कूलिंग. एक थर्ड अडेप्टेशन भी है, वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन. रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू वर्ड स्किन इन कोल्ड वेदर. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये कोल्ड वेदर में, वो कहता है कोल्ड वेदर में ब्लड सप्लाई इनटू द कैपिलरीज ऑफ द स्किन इज रिड्यूस. स्किन कैपिलरीज में ब्लड की सप्लाई रोक दी जाती है. जो सुपरफिशियल कैपिलरीज हैं, जो सरफेस के ऊपर वाली कैपिलरीज हैं, उनकी तरफ ब्लड की सप्लाई रोक दी जाती है. ब्लड को डीप कैपिलरीज की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है. जो नीचे वाली कैपिलरीज हैं, स्किन के नीचे वाली जो डीप कैपिलरीज हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो होता है, जबकि जो सुपरफिशियल कैपिलरीज हैं, सरफेस के ऊपर कैपिलरीज हैं, उनके अंदर सरफेस में कैपिलरीज हैं, उनमें ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ताकि हीट का लॉस ना हो. कोल्ड वेदर में, इन कोल्ड वेदर ब्लड सप्लाई टू स्किन कैपिलरीज इज रिड्यूस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट हीट लॉस. जबकि इन वार्म वेदर ब्लड स्किन कैपिलरीज आर डायलेटेड, स्किन कैपिलरीज फैल जाते हैं, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ताकि हीट का लॉस हो सके रेडिएशन के जरिए. ये आप देख सकते हैं कि स्किन कैपिलरीज में ब्लड का फ्लो बढ़ गया, स्किन कैपिलरीज डायलेट हो गई, उनके अंदर ब्लड का फ्लो बढ़ गया और फिर रेडिएशन के जरिए हीट का लॉस हो गया वार्म वेदर में. कोल्ड वेदर में हीट एक्सचेंज को, हीट लॉस को रोकने के लिए स्किन के अंदर ब्लड की सप्लाई जो है वो रोक दी जाती है. दिस इज रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो टू स्किन फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज. ये थर्ड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन थे. तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन में हमने ये पढ़ा कि एनिमल्स ब्रिंग चेंजेस इन द फिजियोलॉजी फॉर रेगुलेशन ऑफ हीट एक्सचेंज. वो कौन कौन सी चेंजेस हैं? Activation of sweat glands for evaporative cooling, activation of certain muscle for plumage fluffing, और तीसरा regulation of blood supply towards skin. Skin की तरफ blood supply warm temperature में ज्यादा की जाती है. More supply of blood to skin in warm weather to dissipate heat, while in cold weather less supply of blood to skin to reduce the heat loss. ये थी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन. एनिमल अपनी फिजियोलॉजी में तब्दीली लाकर हीट एक्सचेंज को कैसे रेगुलेट करते हैं. इसके बाद थर्ड है बिहेवियरल अडेप्टेशन.
एनिमल्स अपने बिहेवियर में, अपने तर्ज़ अमल में, अपने रहन सहन में तब्दीली लाकर हीट एक्सचेंज को रेगुलेट करते हैं। उसमें तीन बातें की हैं। सबसे पहले एनिमल्स मूव टू प्लेसेस वेयर देयर इज हीट एक्सचेंज इज मिनिमम। एनिमल्स अपने आप को ऐसी जगहों पे ले जाते हैं जहां हीट एक्सचेंज कम से कम हो। मिसाल के तौर पर ग्राउंड स्कर्ल गो टू बरोज इन मिड डे हीट। दोपहर की गर्मी से बचने के लिए जो स्कर्ल्स हैं वो बिलों में चले जाते हैं ताकि वो दोपहर की गर्मी से बच सके। इसी तरह से लिजर्ड्स दे बास सन, वो सर्दियों में हीट गेन के लिए सन में आ जाती हैं, धूप में आ जाती हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब कर सकें। ये उनके बिहेवियर में चेंज है। इसी तरह के एनिमल्स आल्सो ब्रिंग चेंजेस इन देयर पोस्चर। ये एनिमल्स ब्रिंग चेंजेस इन देयर पोस्चर टू रेगुलेट सरफेस एरिया फॉर हीट एक्सचेंज। जैसे सर्दियों में ये पिक दिखाई है कि सर्दियों में कोई भी हम हैं या दूसरे इंसान वगैरह जो हैं वो अपने आप को यूं सुखेड़ लेते हैं, घूंघड़ के बैठ जाते हैं ताकि सरफेस एरिया कम एक्सपोज हो, हीट का लॉस कम हो। लेकिन वार्म वेदर में हम अपने आप को फैलाकर बैठते हैं ताकि हीट का एक्सचेंज जो है वो हीट का लॉस ज्यादा ज्यादा हो। तो ये बिहेवियरल अडैप्टेशंस हैं। कौन कौन सी बिहेवियरल अडैप्टेशन है? पहली, एनिमल मूव टू एन एनवायरमेंट। एनिमल ऐसे एनवायरमेंट में चले जाते हैं वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन देम इज मिनिमल, जहां हीट का एक्सचेंज मिनिमम हो। जैसे हमने देखा कि ग्राउंड स्कर्ल्स मूव टू बरोज इन द मिड डे हीट, दोपहर की गर्मी से बचने के लिए वो बरोज में चले जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं, खुडों में चले जाते हैं। और दूसरी एग्जांपल उसने दिया, लिजर्ड बास इन द सन टू गेन हीट। बहुत सारी लिजर्ड्स जो हैं वो सर्दियों में सन बात करती हैं हीट गेन के लिए, धूप में बैठती आकर। दूसरी अडेप्टेशन जो बिहेवियर अडेप्टेशन में आती है, एनिमल आल्सो कंट्रोल द अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर हीट एक्सचेंज। वो अपने सरफेस एरिया को कंट्रोल करते हैं, अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया को कंट्रोल करते हैं बाय एडजस्टिंग देयर पोस्चर, अपने पोस्चर में तब्दीली लाकर, जैसे इस पिक में मैंने दिखाया हुआ। ये पोस्चर में चेंज है, पोस्चर में चेंज आती है तो सरफेस एरिया कम या ज्यादा होता है, और सरफेस एरिया कम या ज्यादा होने से हीट एक्सचेंज कम या ज्यादा हो सकती है। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो हीट का लॉस ज्यादा होगा, सरफेस एरिया कम होगा तो हीट का लॉस कम होगा। तो सर्दियों में, सर्द मौसम में, कोल्ड वेदर में हम ह्यूमन बीइंग अपने आप को यूं स्ट्रेट के बैठ जाते हैं जैसे इस पिक में दिखाया गया, ताकि हीट का लॉस कम हो। जबकि वेदर गर्म हो, वार्म वेदर हो, तो थोड़ा सा अपने आप को फैलाकर बैठाते हैं ताकि हीट का लॉस ज्यादा हो। ये बिहेवियर अडैप्टेशन है। आसान सा टॉपिक है, हम आसानी से याद कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।